ऐसी पांच कौन सी गलतियां हैं जो आप ना करें कि जिससे आपको धन का नुकसान हो जाए और माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाए, पैसा उनसे रूठ जाता है, बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है, जॉब छूटनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसी कहावत सुनी होगी कि यार इस बंदे के पास तो पैसा जो है पानी की तरह आता है। बोलते हैं आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते आज जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। क्या टॉपिक होगा आज का मेरा कि ऐसी पांच कौन सी गलतियां हैं जो आप ना करें, पांच ऐसी गलतियां ना करें कि जिससे आपको धन का नुकसान हो जाए और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाए। ऐसी पांच गलतियां ना करें, कौन सी हैं वो पांच गलतियां, ये आज के वीडियो में आपके साथ मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें और अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी गलतियां हैं पांच जो लोग करते हैं और अक्सर देखते हैं कि धीरे धीरे पैसा उनसे रूठ जाता है, बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है, जॉब छूटनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंततः कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इतना घाटा आ जाता है कि वो दिवालियापन तक की नौबत उनके साथ आ सकती है। ये पांच गलतियां आपको बताने जा रहा हूं। इन पांचों में से कोई भी एक भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दुर्भाग्य को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे नंबर वन गलती। देखिए, क्या आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं या ओवरऑल आपका जो घर है उसके अंदर अंधेरा तो नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर सनलाइट अगर प्रॉपर नहीं आ रही। अगर जिस रूम में आप रहते हैं या आप घर के अंदर प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही, इसको चेक कीजिएगा। क्या दिन के वक्त दोपहर के 12 बजे के आसपास अगर आप सारी लाइट्स बंद कर दें तो क्या आपके घर के अंदर अंधेरा हो जाता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आती? अगर ये टेस्ट आप करें और आप पाएं कि दोपहर के वक्त भी अगर आपके घर के अंदर बिना लाइट के आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अंधेरे के अंदर रह रहे हैं, आप दुर्भाग्य को इन्वाइट करने जा रहे हैं और माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपसे रूठने वाली है। माँ लक्ष्मी कभी भी अंधेरे के अंदर नहीं जाना चाहती। गलती नंबर दो, मैंने अक्सर बहुत से लोगों को जिंदगी के अंदर देखा है कि घरों के अंदर सीलन आई हुई है, डैम्पनेस आई हुई है, पूरे घर के अंदर परवाह ही नहीं कर रहे, चलाए जा रहे हैं जिंदगी। अरे दोस्त, अगर आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर कहीं पर भी किसी भी दीवार पे अगर डैम्पनेस है, सीलन आई हुई है, तो आप कहीं ना कहीं धन को नाराज कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। इमीजिएटली डू टेक द एक्शन, बुलाइए किसी अच्छे से पेंटर को, बुलाइए उसका इलाज कीजिए, उसके अंदर वाटर प्रूफिंग कराइए, जो कराना है कराइए, लेकिन घर के अंदर डैम्पनेस और सीलन कहीं ना कहीं आपके धन के अंदर आपको बहुत बड़ी रुकावट का कारण बन सकती है। तीसरी गलती जो आप जिंदगी के अंदर करते हैं, मैंने अक्सर देखा आप परवाह ही नहीं करते, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि नल से पानी टपके जा रहे, टपके जा रहे, टपके जा रहे, एक एक बूंद करके टपके जा रहे, हो सकता है टॉयलेट का पानी हो, सकता है किचन का पानी हो, आपके बाथरूम का हो। अगर आपके घर के अंदर ऐसे नल हैं जिनके अंदर से निरंतर बूंद 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 पानी टपकता रहे तो आप बोलते क्या फर्क पड़ता है, पानी तो बह रहा है। वो पानी नहीं बह रहा दोस्त, वो आपका धन बह रहा है। आपने सुना होगा ना, कई बार ऐसी कहावत सुनी होगी कि यार इस बंदे के पास तो पैसा जो है पानी की तरह आता है, या इस घर में पैसा पानी की तरह बह जाता है। इसका मतलब पैसा यानी कि पानी, अगर आपके घर के अंदर ऐसे टैप्स हैं, चाहे एक चाहे दो चाहे तीन, जिसके अंदर से निरंतर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और आप प्रवाह नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए वो पानी नहीं बह रहा दोस्त, वो आपका धन कहीं ना कहीं बह रहा और धीरे धीरे इतना नुकसान हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि बिजनेस के अंदर इतना घाटा क्यों हो गया, जॉब के अंदर इतनी रुकावटें क्यों आ गई। उसका ये भी एक कारण हो सकता है कि घर के अंदर आपके जो टैप्स हैं उसमें से निरंतर पानी बहता रहता है। किसी प्लम्बर को बुलाइए इमीडिएटली, ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है लेकिन इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, तो प्लम्बर से इमीजिएटली इसको ठीक आप जरूर करवा लीजिएगा। चौथी गलती बताता हूं, मैं जहां दिल्ली के अंदर रहता हूं
कई बार मैंने सड़कों के ऊपर देखा, जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं या छत के ऊपर जब मैं टहलता होता हूं तो देखता हूं पड़ोसियों की जो पानी की टंकी होती है छत वाली, ओवर है, टैंक ओवरफ्लो कर रहा है। अरे दोस्त ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या करने जा रहे हैं यार। अगर आपके ऊपर पानी की टंकी जो छत के ऊपर लगी हुई है जिसको कि ओवर है टैंक बोलते हैं, अगर वो निरंतर निरंतर ओवरफ्लो होता जा रहा है तो दो नुकसान आप कर रहे हैं। पहला, धन का नुकसान तो हो ही रहा है, धन का नुकसान तो आपको होगा ही होगा, जो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जिंदगी के अंदर ये दुर्भाग्य क्यों आ गया है, क्यों पैसा मेरे से लूट गया, क्यों मां लक्ष्मी हमसे लूट गई, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इमीडिएटली टेक द एक्शन। आजकल ऑटोमेटिक कट आए हुए हैं, ऐसी मशीन्स आई हुई हैं जो आप अपनी मोटर के साथ लगाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेंस करती है, पानी भर भी जाता है और पानी रुक भी जाता है, कट ऑफ कर जाता है, कीजिए उसको। दूसरा, अरे दोस्त आपको शायद पता है कि नहीं पता है, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, या पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं, बहुत से ऐसे सिटी हैं जहां लोग दो दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर की लाइन लगाते हैं एक पानी का घड़ा बनने के लिए। देखिए उनकी तरफ, नेशनल वेस्टेज ऑफ वाटर, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको लगता है यार पानी तो फ्री की चीज़ है, बस इसीलिए आप उसका मोल नहीं लगा पाते, रोकिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पांचवी गलती आपको मैं बताने जा रहा हूं जो अक्सर आप करते हैं। अरे दोस्त, अगर आपने किसी से उधारी ली है, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, चाहे पर्सनल लेवल के ऊपर, चाहे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, या किसी बैंक से आपने उधारी ली हुई है और आपका मन करता है कि यार पैसे कैसे मैं दबा लूं किसी के, कैसे मैं उधारी ना वापस करूं, अरे दोस्त ये बहुत बड़ी चीटिंग होगी, बहुत ही बड़ी आप गलती करने जा रहे हैं। अगर आप किसी के पैसे मार लेते हैं, आप उसकी उधारी इंटेंशनली नहीं देना चाहते, ऐसे बहुत से लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो दूसरों के पैसे मार लेते हैं, बहाने बनाते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, बैंकों के पैसे नहीं देते हैं, उनसे चीटिंग कर लेते हैं, लोन लेते हैं उसको दोबारा से चुकाते ही नहीं है। अगर आप ऐसी इंटेंशन है, अगर आप लोगों का धन मार रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको पक्के से बता सकता हूं कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज एक दिन ऐसी होगी कि आप कंगाल हो जाएंगे। दुर्भाग्य को कहीं ना कहीं आप अपने इन्वाइट करने जा रहे हैं, तो कभी भी दूसरों का धन ना मारें। अगर आपने किसी से उधारी ली है पर्सनल लेवल के ऊपर, या आपने बैंक से भी उधारी ली है, तो उसको समय के ऊपर चुकता जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर भी मां लक्ष्मी की कृपा हो सकता है कहीं ना कहीं रूठ जाए। तो ये थी वो पांच गलतियां जो मैंने देखा कि अक्सर इनमें से कोई ना कोई गलती इंसान करता है और उससे कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू टू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते हैं।